दमोह जनपद क्षेत्र और पथरिया जनपद क्षेत्र में पहले चरण के पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे हालात में प्रशासन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। वहीं दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चेतन और पुलिस अधीक्षक डी आर त्रिनिवार ने विभिन्न ग्रामीण अंचलों में पहुँच करके जो दमोह और पथरिया अंचल में आते हैं वहाँ पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगामी 25 तारीख को यहाँ पर चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से यहाँ पर चुनाव हो इसके लिए यहाँ पर निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। पहले चरण के उपलक्ष्य में दमोह और पथरिया में हम लोगों का पहला चरण में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसकी तैयारियों को देखने के लिए बाकी बूथ्स की व्यवस्था देखने के लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पे मिली और हम लोगों की तैयारी जो है जो परसों के इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए वो पूरा हो गया है। सभी लोगों से निवेदन यही है कि सभी लोग अपना इलेक्शन मिशन का मैटर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने का, तो सभी लोग जो है और उसी दायरे में रहते हुए उसी रूल्स का पालते हुए अपनी सहभागिता ये इलेक्शन में अच्छी तरह निभाएंगे और ये इलेक्शन कंडक्ट करने में प्रशासन की और अपना पूरी निर्वाचन शाखा के उसमें पूरी सहयोग करेंगे। मंद्रे बोत्रे ये जो तहसील मतदान केंद्र है इनका भ्रमण सावर हमारे द्वारा है। इस हमने तैयारी कर ली है, इन क्षेत्रों में गड़बड़ करने वालों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक की गई है और सुरक्षा के इंतजाम हमारे सेक्टर मोबाइल जो बनी है पुलिस मोबाइल इससे बनाई गई है कि प्रत्येक आधे घंटे वो मोबाइल जो है वो लगभग करते रहे। सूचना मिली तो मैक्सिमम 15 मिनट में वो पहुँच जाए।